ये है केक। यस ये मैं लेके जा रहा हूँ अपनी पूरी फैमिली के लिए। ये केक कोई मामूली नहीं है, ये बचा कुचा है। कुचा। हेलो। तो दोस्तों रात के 2 बजने वाले हैं, आज मेरा बर्थडे है, तो हम जा रहे हैं शिखा और मैं बाहर खाना वगैरह खाने। हम जा रहे हैं ताज होटल। कौन सा होटल जा रहे हैं भाई? ताज लैंड। हाँ, ये कहाँ पे पड़ता है? जहाँ होटल में हम जा रहे हैं, शाहरुख भाई भी साथ ही रहते हैं, घर उनका बिल्कुल पास है, तो क्योंकि उनको भी मैंने इनवाइट किया हुआ है, अगर वो फ्री नहीं हुए तो वो नहीं आएंगे। और अभी तक मेहमान आए नहीं, सारी कुर्सियां खाली हैं, तो कोई बात नहीं, हमने तो इनवाइट किया, अब कोई नहीं आए तो मैं क्या करूँ? ये उनका लॉस है, तो हमारे पैसे वेस्ट गए। हमारे पैसे सारे वेस्ट गए। नहीं नहीं, आ जाएंगे तो ठीक है। तो देखिए, हमने तो सबको इनवाइट किया है, अब कोई नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमारी तो चेयर यहाँ पे देखिए, वो देखो खाली है, अब हम क्या कर सकते हैं? अभी हम अकेलों को एंजॉय करना, अभी हमें दोनों को एंजॉय करना पड़ेगा। नहीं, हिंदी बोलो, अकेलों को बोलो, अकेलों को। अकेलों को मतलब दोनों को। हाँ, तो शिखा को मैंने बोला कि तू क्या चाहती है, कहाँ जाना चाहती है? कहती पापा आपका खर्चा नहीं करवाना, सिर्फ ताज होटल ले जाओ। तो यहाँ पे आई, तो देखो बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसे का क्या है? आज पैसा अगर नहीं है तो कल भी नहीं है, है ना? तो परसों तो था ही नहीं, आपको पता ही है किस्तें हमारी रुकी हुई हैं। तो क्या क्या ऑर्डर किया बताना सर? मैंने एक येलो दाल की है, एक रोटी। हाँ। उसको मैंने कहा 2 पोर्शन कर देना। अच्छा। रोटी के एक तेरा एक मेरा। ओके। और दाल जो है उसके साथ एक कटोरी दे देना, ताकि हम आधी आधी करना। अच्छा, और सब्जी मंगवाई कोई? नहीं, ये दाल कितना खा लेंगे? कुछ क्यों मंगवा लिया, कितना कुछ गिना दिया आपने मुझे। हाँ तो बचेगा तो घर ले जाएंगे ना, पैक करवा लेंगे, उसमें क्या है। तो देख लो, इंसान का कुछ भी पता नहीं होता कि इंसान किस वक्त कहाँ पे होता है और अगले ही वक्त कहाँ पे पहुँच जाता है। पहले मैं बर्तन साफ कर रही थी किचन में, और अभी देखो ताज होटल में बैठ के खाना खाने लगी हूँ। यहाँ भी अगर बिल नहीं दिया तो वो बर्तन ही मंजवाएंगे। अभी ये जैसे जूस है, ठीक है, ये आम रस है। हाँ। तो हमें मजा आता है आम रस पीने का। ये आम रस थोड़ी ना है, लस्सी है। हमारे लिए आम है, हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे लिए आम रस है। आम बातें हैं ये, जो मर्जी मंगवा। ताज होटल में मैं जब भी खाना खाने आता हूँ, तो आप यकीन करिए, मैं एक बाइट खाता हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। क्योंकि एक बाइट के ही उतने पैसे होते हैं जितने 10 रोटियों के होते हैं, तो मैं वही सोच के खाता हूँ। और खाना खा रहे हैं, अभी केक भी कट करेंगे, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। ब्लॉग में बने रहना प्लीज। तो यहाँ पर मैंने अपना खाना फिनिश कर लिया, और पापा का खाना फिनिश हो ही नहीं रहा। नहीं नहीं, फिनिश हो गया था, पहले मैंने उनको बोला था कि उठा लो सब, फ्री है। बाद में उन्होंने बिल दिखाया, काफी महंगा है, मैं खा लेते हैं। कार्ड नहीं लेके आई? नहीं, कार्ड नहीं लेके आई सच्ची। हाँ यार, तेरा दिमाग खराब है, की करन नहीं है, क्यों इतनी कुट पवानी है सानू, सारा काम खराब करके रखता। तो मैंने बहुत गुस्सा आना डे, तेरे तेन दसा, मैं तेन अकल नहीं तेन, मजाक किया फिर हिंदी च। तो कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि जो गुस्सा होता है ना, वो पंजाबी में मजा आता है। तो हमारी मजाक करने की आदत है, यू नो, हंसी आए या ना आए। तो चलो, तो अभी हम केक कट करेंगे। इसको केक ही बोलते हैं ना, मतलब इतना छोटा सा भी उसको केक बोल सकते हैं। देख अब तू कितनी छोटी सी है, लड़की बोलते ना तेरे को। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, आपने हमको केक दिया इस वक्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये बहुत ही प्यारा सा, ये देखो बहुत ही ज्यादा प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। जैसे कि आप सबको पता है, पूरी फैमिली जो है अमृतसर में है, शिखा और मैं यहाँ पे है। तो शिखा कह रही थी कि केक काटना है बाहर जाके, चलो अभी केक कट करेंगे फाइनली। Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday dear sir. Happy birthday to you. Thank you. Thank you sir. God bless you. Are we hungry?
थैंक यू। तो अब मेरे सामने बैठे हैं मनी और साक्षी, मैं चाहता हूँ इनका भी मुंह मीठा करा दूं। ये ले मनी। अरे यार ये ना शर्माता बड़ा, तो मुंह ही खोल रहा है, जिम जाना होता कहता मीठा। यार साक्षी तो ले, साक्षी बिल्लू नजर नहीं आ रही, बिल्लू किधर है? अच्छा बिल्लू नहीं नजर आ रही, साक्षी भाभी और मनी नजर आ रहे हैं आपको? मेरा पंच ही खराब कर। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर सब मिलोगे जब तुम कहोगे। थैंक यू सो मच। ये है केक। यस, ये मैं लेके जा रहा हूँ अपनी पूरी फैमिली के लिए। ये केक कोई मामूली नहीं है, ये बचा कुचा है। कुचा। ये जो आप मेरे पीछे केतली देख रहे हैं चाय वाली, ये कोई मामूली केतली नहीं है। इसमें मैं बिल्लो को लेके आया हूँ, इसके अंदर बिल्लो है। अच्छा। ऐसे लग रहा है चिराग वाला जिन। ये कह रही है कि वो दिया लगता है जिसमें वो ऐसे घिसाओ तो जिन निकल आता है। दिया होता है वैसे? हाँ, नहीं पता। दिया होता है और जिन तो बाहर खड़ा बेटे, तो ये दिया कैसे हो सकता? ये देखो अकेली क्या कर रही है। क्या नहीं हो सकता लाइफ में? मैंने बोला कि यहाँ पे मिरर है ना, तो एक मिरर सेल्फी तो हर जगह पे बनती है। शिखा के साथ डिनर बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन पूरी फैमिली को मिस किया हमने। वो हमेशा करते हैं क्योंकि हम अकेले कभी जाते नहीं हैं, लेकिन आज पहली बार हम शिखा और मैं आए हैं, बहुत मिस किया। ये हमने लिया है बाकी की फैमिली के लिए और बहुत ही अच्छा केक है। ये मैं अमृतसर भेजूँगा साक्षी मनी बिल्लो के लिए, उनको बहुत पसंद आएगा और उनको खुशी भी होगी। अगर उनको पता चल गया कि ये हम छोड़ के गए हैं यहाँ पे, तो उनको बहुत गुस्सा आएगा क्यों छोड़ा, क्योंकि महंगा बहुत। तो यहाँ पर सफाइयाँ होनी भी शुरू हो गई हैं और हम यहाँ पर पूरे ताज होटल का ना खर्चा वसूल करने आए हैं। जितना बिल इनका बना ना, इनको है कि यहाँ पर मैं आज अच्छे से बैठ के पूरी दीवारें वगैरह चेक करके जाऊँ, है ना पापा? सफाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। तो वो फिर तूने पैर क्यों रखे वहां पे? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। रुको रुको रुको, कैसा गाना गा रहे हो? आपका बर्थडे है, एंजॉय वाला गाना गाओ। लुट गए क्या मतलब? तूने बिल नहीं देखा कितना बना। लुट गए। तो अभी पापा कोशिश कर रहे हैं कि वो जो पियानो पड़ा है ना, वो बजाने जा रहे हैं और टाइम मुझे लगता है रात के 2:30 बज चुके हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इनकी कोशिश चेक करो आप, कितना ज़्यादा प्यारा है यार। तो यहाँ पर पापा ने फाइनली परमिशन ले लिया भोली सी शक्ल दिखा के। शक्ल दिखाना अपनी। हाई कितना ज़्यादा नाटक कर रहे हो पापा। नाटक नहीं, जब भी ये बजाने लगो ना तो पहले माथा टेकते हैं। क्यों? कि ये भी हमको नहीं आता, खुद ही बज जाना। हाय हिम्मत चेक करो, ताज होटल में बैठ के। हुई। उनको, अच्छा उनको कहते मैंने फोटो करवानी और यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। मैं एक दर्द भरा सॉन्ग पेश कर रहा हूँ। करो करो। गुलाबी जो तेरी देखी, वाह शराबी क्या बात है। संभालो मुझको, मेरे यारो संभालो मुश्किल। ये मैंने जानबूझ के गलत बजाया है ताकि नजर ना लगे, बजाते हैं वही बजा सकते हैं। पूरा बंद करने का लेना यार, कितने ज्यादा ड्रामे कर रहे हो। आपने इतना प्यार दिया और क्या चाहिए, और वो बजाने दिया।
सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत मजा आया हमें। कोई बात नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, बहुत अच्छा लगा। अब ये घूमने वाला सिस्टम है, हो सकता है मैं गिर जाऊं। किधर से आऊं? किधर से? हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। तो चलो तो दोस्तों, अब हम निकलते हैं घर पे। बहुत मजा आया। इनकी शक्ल पे मत जाना, ये अपनी शक्ल देख के ना लोगों का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। क्यों, अच्छा नहीं लगा? पता कितना प्यार मिला यहाँ पे। पियानो जब मैं बजा रहा था, कैसे बजाया आपने? देखो दोस्तों, पहले मैं वहाँ पे गया, मैंने उनको पूछा कि पियानो के साथ फोटो करवा लें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, करवा लो। फिर मैंने बजा लिया थोड़ा। फिर पूरे ताज होटल में पियानो की आवाजें आ रही है। पहले बोलता मैं बजाना है तो फिर थोड़ी कोई बजाने देता है। और वैसे भी इतना होना चाहिए कि कोई मना भी कर सकता है। हाँ। अपने असूलों में रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए, अपने असूल है। लेकिन कितना प्यार दिया। हाँ। हमेशा झुक के रहो। हाँ। जैसे देखो मैं झुक के, एक पैर मेरा नीचे है, एक मेरा पैर ऊपर है, ठीक है ना? आहिस्ता चलो। तो ये चीजें चलती रहनी चाहिए। हमें बहुत मजा आया, और डिसिप्लिन में रह के वैसे ही बड़ा मजा आता है। और यहाँ का स्टाफ जो है ताज होटल का, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। तो चलो अब मिलते हैं घर पे।